हसन साहब, भारतीय कांग्रेस के रहनुमा शशि थ्रोवर ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ भारत के नाकाबिले तस्खीर दुश्मन थे। देखो, तारीफ वो जो दुश्मन करे, और इसमें कोई शक नहीं। ये बातें तो बड़ी करते हैं मुंह उठा के, ये औलादें किन की हैं? ज़ियाउल हक जैसे बंदे की, सफाक मसल देने वाला आईन को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जुडिशियल मर्डर कहते हैं भुट्टो के कत्ल को, ये उसने अदलिया के साथ किया, अवाम के साथ क्या किया? मुनाफकत पैदा ही उसके हाथ में हुई। ये सारा गंद बला क्लाशनकोफ, ये वो पूरे माशरे का सत्यानाश करके रख दिया उस आदमी की औलादे। परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करती हैं आईन, और सुभान अल्लाह, उस बंदे को तो यहां से फोन गया, पायलट ने बुलाया, ही डिडंट नो। वो ऐसे तो तुम हेड कांस्टेबल को, क्या कांस्टेबल को, फुट कांस्टेबल को ऐसे आप सैक नहीं करते। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कर रहे हो। उसने आके क्या कि तुम्हारी तोड़ तोड़ दी थी, कुछ भी नहीं, वो तो जहाज में था। ये इदारे का फैसला था, और मोतबर फैसला था, दुरुस्त फैसला था। वही तो चंद साल है जो पुरसकून और खूबसूरत गुजरे, लोगों के रिलैक्स गुजरे। या कुछ थोड़ा अय्यूब खान के जमाने में तो बाकी क्या है, बातें ठीक हैं। इन उनकी सियासी औलादें आज आइन की बात करती हैं, कमाल है। उनके बेनिफिशरी, ये जो उधर हुआ है वो तो मैं कमाल इस बात में, ये बेनिफिशरी तो जमात इस्लामी वाले भी थे, वो भी कहीं अय्यूब खान की औलाद है, सियासी औलादों की औलाद, कहीं ज़ियाउल हक़ के चंपू चमाट फिर रहे हैं, और ये ममे हैं। और मौत के बाद तक, जब तक इनको ये पता नहीं लग गया कि नमाज जनाजा बिल्कुल दो नंबर खोखला और वक्ती था, वो जो था वो, जब इनको समझ आई हुई भुट्टो के मदार पे तो रौनक बढ़ती जा रही है, इधर तो बंदा नहीं जाता, भाग लिए। वरना डिटाई से, बेशर्मी से ज़ियाउल हक़ की मौत के बाद ये लोग सरेआम जलसों में कहते रहे कि मैं अधूरा मिशन ज़ियाउल हक़ का पूरा करूंगा। मामे जमहूरियत के, इनकी शक्लें देखो, इनकी अकलें देखो, इनकी परफॉर्मेंस देखो, कौन सी जमहूरियत है? इस्लाम में इस तरह की कोई जमहूरियत नहीं है, कोई रिटर्न आइन नहीं है, आइन कहीं और है। मुकद्दस 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 नहीं होते, सिर्फ वो सहीफे, सिर्फ वो मुकद्दस होते हैं। इंसानी इंसाफ की सानवी हैसियत है, इससे ना कोई लंबी चौड़ी उम्मीदें, तो हमारे यहां तो वो भी नहीं। ये जो एक फेक सा होता है, एक शेडो सा होता है, हमें तो वो भी दस्तियाब नहीं। यानी आप अगर करोड़ों लोगों का रिस्क के हिस्से का रिस्क खा जाओ अपनी जहानत के, चालाकी के, अय्यारी और मक्कारी के, और चकारी के, चकारी होता है चालाक और मक्कार का कॉम्बिनेशन, चकारी के जरिए अगर आप खा जाओ, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको ब्यूरोक्रेट हो, आपको फलाना हो, आप कब्जा ग्रुप हो, फलाना ढमकाना, जो भी हो आप, वो ठीक है, आप मुअज्जज़ हैं। लेकिन वही काम अगर आप किसी को गंद खा के करेंगे, वो जहानत के बलबूते पे लूट लो। ऐसा हुआ है, और यही नहीं, वेस्ट में भी होता है। कमाल ये है, वारदात ये, वो भी हैं, वो भी अपने अवाम के दोस्त नहीं, लेकिन वो अपने अवाम के साथ इतना जरूर करते हैं जितना एक शरीफ आदमी अपने पालतू जानवर के साथ करता है। उसकी बुनियादी जरूरियात, उसके बच्चों की तालीम, इल्म, अनाज, इलाज, शेल्टर, वो लीजिंग लूजिंग पे घर घोर गाड़ियां बुड़ियां, हाँ, उनका बच्चा आगाज करता है। हमारा बंदा जब कब्र किनारे पहुंचता है, फिर वो एक घर शर्ट शायद टूटा फूटा को पांच सात मरले का बना ले बना ले, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। वारदात ये वो भी हैं, दुनिया भर की दौलत जिन लोगों के हाथ में है, चलो अमेरिका की दौलत, फिगर्स आते रहते हैं, पढ़ के देख लेना आप। तो इसलिए छोड़ो इनको, परवेज मुशर्रफ के बारे में बूथे उठा के बात करते हैं, वो ज़ियाउल हक़ से बुरा था, खुदा का खौफ करो। और वैसे भी दुश्मन मरे थे, खुशी ना करिए अगर वो दुश्मन ही, हालांकि वो तो बेहतरीन दोस्त थे, दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। ये क्या घटियापन,
ग्रोथ रेट 7%, रोजगार के इतने मौके 40 साल में ना पैदा हुए जितने परवेज मुशर्रफ। आईटी देखो, मैं तो मीडिया का मोशन समझता हूं, कोई जमहूरिया होता चपड़ के ना दिया। कभी ये जो प्राइवेट आप देख रहे हो, ये सारे चैनल जो हैं जिसपे हम यहां बैठे हैं, ये होता नहीं। मुझे कोई इनमें से कुरान पे हलफ दे, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाए, कभी भी ना करते। ये जो आपको ये चैनल्स नजर आ रहे हैं, इसने खुला किया, थोड़ा मामलात को इम्प्रूव किया, बेहतर किया। किसने किया? परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद मुझे बताया कि मेरे इर्द गिर्द तमाम लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं, मैंने कहा टू हेल करो, ये करते ही है। अरे बातें करते हैं, स्टील मिल 8 अरब सालाना के मुनाफे पे छोड़ी, IMF से निजात दिलाई, 60 रुपए का डॉलर था, जर मुबादला $17 बिलियन, 15 साल की मुसलसल मनमूज जमहूरियत के बाद $3 बिलियन, वो भी नहीं। कोई शर्म है आकर जमहूरियत के मामे ताए चाचे, जमहूर भूखी मर रही है, जमहूर अवाम भूखे मर रहे हैं, ये जमहूरियत के दिल दादे आ गए भाई, खाम खा कार्रवाइयां।